और आज जैसे कि आपको ज्ञात है कि कल माननीय हमारे पूर्व में मंत्री रह चुके और वर्तमान विधायक मिस्टर सुधीर शर्मा जी के घर में एक जो उनका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है वहाँ पे एक ड्रोन जो है इलीगल तरीके से उड़ता हुआ पाया गया, जिसे उनके निजी सचिव और जो उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने देखा। और उसमें ये भी देखा गया कि वो एक तरह से वीडियो जो था वो बन रहा था, लाइव वीडियो बन रहा था। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक कंप्लेन जो है ऑलरेडी एसपी महोदया कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को ऑलरेडी दे दी है शाम को, लेकिन एसएचओ साहब को भी इसके बारे में हमने अवगत करवाया है। तो एसएचओ साहब ने हमें एक एश्योरेंस दी है कि नहीं, इसके विरुद्ध जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो है बिना लाइसेंस के कोई भी उड़ाना, ड्रोन जो उड़ाना है ना, तो ये एक तरह का हमारी जो निजता की सुरक्षा है ना, इट इज़ अ रियली अ ग्रेट सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसके लिए हमने एक कंप्लेंट जो है एसएचओ थाना प्रभारी धर्मशाला को दी है आज। आप एडवोकेट भी हैं तो क्या लगता है, देखिए ये तो अभी जांच का विषय है, अभी हमने थाना प्रभारी जी से भी बात की है तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि हम इसके लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे, बट वैसे भी देखा जाए तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इट इज़ अ ये आपकी मान लिया आपकी जीवन के लिए भी एक तरह का वो है कि इतने हाई सिक्योरिटी लेवल पे किस तरह से एक ड्रोन जो है बिना लाइसेंस के वहाँ घूम रहा था, तो ये जो चीज़ है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ कह सकता है। सुन साहब आप क्या कहेंगे? निजता का हरण है, पूर्णतया निजता का हरण है। मतलब आप देखिए जो विधानसभा के विधायक हैं, सरकार के वर्तमान सरकार के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी ही निजता पे सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आम आदमी भी कहीं ना कहीं सदमे में होगा। इस ये जो हुआ है, कल हुआ है, ड्रोन जो उड़ाया गया है, बट अखबार के माध्यम से आप प्रेस बंदियों के माध्यम से रोज़ पता चल रहा है कि ड्रोन का जो यूज़ हो रहा है वो अभी तक इलीगल यूज़ हो रहा है, जिसमें आप देखें आज भी अखबार में खबर आप देख सकते हैं कि जिसमें 36 किलो हीरोइन पाकिस्तान से हिंदुस्तान ड्रोन के माध्यम से लाई जा रही थी। तो सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि इसमें ड्रोन में कुछ ना कुछ शक्तियाँ लाई जाएं। और हाँ बिल्कुल पूर्णतया जो ये जो हुआ है, मतलब जो विधायक हैं उनके घर की जो सुरक्षा की सुरक्षा का घेरा मतलब जांच में है, तो उस पर वर्तमान में जो एसपी हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए और बहुत जल्दी लेना चाहिए। और जी हाँ, मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि विधायक की जो वर्तमान में विधायक हैं श्री सुधीर शर्मा जी, उनकी सिक्योरिटी भी थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे हम एक विधायक जो सिर्फ पूरे प्रदेश में सिर्फ 68 लोग हैं और उनका प्रोटोकॉल, एक चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल और विधायक का प्रोटोकॉल सेम रहता है और पूरा में मंत्री भी रहे हैं, तो हाँ उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।